हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता नए स्टाइल में। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा बैंगन लिया है मैंने यहाँ पर, और इसको मैं यहाँ पे भून रही हूँ। तो जब तक ये भून रहा है तब तक मैं थोड़ी सब्जियाँ काट लेती हूँ, जैसे कि मिर्च काट ली है छोटी छोटी पतली पतली, और यहाँ मैंने अदरक काट रही हूँ। अदरक को भी हम छोटा छोटा और पतला पतला कर लेते हैं, बारीक बारीक काट लेते हैं इसको, और फिर हम इन को मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर टमाटर काट लेती हूँ। टमाटर को भी हमने छोटा छोटा ही काटा है, पतला पतला। उसको भी मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। और उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर स्प्रिंग ऑनियन, जो हरी वाली प्याज होती है, हरी वाली प्याज को भी मैंने बारीक बारीक काटा है छोटा छोटा। और यहाँ पे मैं बैंगन का, बैंगन भी मेरा भुन रहा है साइड में, और अब मेरा भुन चुका है और इसके हम छिलके उतार लेते हैं। मैंने इसमें ना ऑयल लगाया है ना कुछ, लेकिन फिर भी इसके छिलके उतर जाएंगे। मैंने ये ठंडे पानी में धो लिया है ऊपर से, और मैं यहाँ पे इसके छिलके उतार लेती हूँ। आसानी से छिलके उतर जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये देखिए सारे छिलके उतर जाते हैं। थोड़ा लग रहा है कच्चा रह गया, पर इसकी भी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी भी बहुत अच्छी सब्जी बनेगी। यहाँ पे ये मैंने सारा साफ़ कर लिया है। अब मैंने पानी से धो लिया है कि जो इस पर जो छिलके चिपके हुए हैं वो भी हट जाएंगे। और यहाँ पे मैंने इसको काट लिया है, जो मैं आपसे कह रही थोड़ा सा कच्चा रह गया, पर इसकी भी चिंता नहीं है, तो मैं इसमें डालूँगी। अब मैं यहाँ सरसों का तेल ले लेती हूँ, उसको अच्छे से पका लेती हूँ तब तक उसमें धुआं निकल आए। इसके बाद मैं डालती हूँ यहाँ पे जीरा, अदरक, और इसके बाद डाल देती हूँ मैं यहाँ पर बैंगन जो मैंने काट लिया है। और फिर मैं यहाँ इसको ढक के रख देती हूँ। ये मैंने ढक के रख दिया है, और इसमें डाल देती हूँ मैं यहाँ पे अब डालूँगी हींग। तो मैंने यहाँ पे हींग डाल दी है, और यहाँ डाली थोड़ी सी हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर और नमक स्वाद अनुसार जितना आप लेते हैं। और यहाँ पे हमारा बैंगन पक रहा है धीरे धीरे, तो ये सारा यहाँ पे पक जाएगा। ये देखिए बिल्कुल पक चुका है और बहुत अच्छा कलर आ चुका है। अब फिर ढक के रख देती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा पक चुका है, तेल इसमें दिखाई दे रहा है। इसके बाद डाल दिए मैंने यहाँ पे हरी मिर्च, और फिर डालूँगी मैं इसमें टमाटर। टमाटर भी हमारे पक जाएंगे। इस सब्जी को मिक्स कर देते हैं, और इसके बाद डालूंगी मैं यहाँ में स्प्रिंग अनियन। तो आप इस तरह से भी बैंगन का भरता बना लीजिए। ये मेरा दूसरा स्टाइल है बैंगन के भरता बनाने का। और यहाँ देखिए बहुत अच्छा कलर आया है, और बैंगन का भरता बनके मेरा तैयार है। यहाँ मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, और थोड़ा सा चाट मसाला, और ऊपर से हरा धनिया। तो सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इसको मिक्स कर देते हैं, और गैस को ऑफ कर देते हैं। बन चुकी है मेरी सब्जी, और हम इसे सर्व कर लेते हैं बथुए के परांठे के साथ। और बहुत अच्छी यमी सब्जी बनी है। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।